वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो गाइस ये ब्लॉग बहुत टाइम के बाद आने वाले हैं। हम बहुत बीमार हो गया था मतलब बीच में ना, तो हम उसका भी ब्लॉग नहीं बना पाए थे। उस तरह से बहुत पहले आ चुका था हम, सो अभी आने लगे रहा मतलब बहुत टाइम हो चुके, 10 डेज से ज़्यादा हो चुके अगर हम बीमार हो गया रखा था। तीन दिन ऐसे हो रहे हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक ठाक फील हो रहे थे, इसलिए आज हम ब्लॉग शुरू कर चुके। और आज बहुत स्पेशल दिन है मतलब दुर्गा पूजा, तो अभी हम सो के बस उठे तो चलिए फ्रेश होते हैं, तो फ्रेश होने के बाद अफसर मिलते हैं। ठीक है, हम फाइनली नहाने के बाद रेडी हो चुके हैं। अभी नहा के रेडी हो गया, कपड़ा पहन लिया था, अभी घूमने जाएगा। पता हमको कुछ आइडिया नहीं मतलब कहाँ जाने का और कैसा लग रहा है बता दो। हम लोग का प्लानिंग हो रहा है जो कि हम लोग तरनगर में है, बट अगर हम लोग प्लानिंग आसाम जाने का तो हम वहाँ जाके वहाँ पूजा देखेगा आज। सो मतलब शाम को भी जाने का प्लानिंग है, पता नहीं सबको जाने का मैं घूमेगा। तो अभी दिन भर लोग आसाम देखेगा, आसाम में भी कैसा हो। ये फर्स्ट टाइम है इतना दूर आसाम जाएगा, जा देखेगा फिर वापस ईटानगर आएगा, फिर रात को फिर ईटानगर का देखेगा। तो जैसे हमको कुछ ये पता नहीं आता, पता नहीं बस ईटानगर में इतना पता, हाँ कोई जगह में हो रहे ये कल कुछ रीजन ना लगेंगे था, तो हमको हम देखा था कहाँ का क्या क्या बोले। अभी चलते हैं आसाम, आसाम का तो कुछ ही पता नहीं हमको, सिर्फ आसाम में मतलब जाते से मिला तो हम रेडी हो चुके। सो आपको दिखाते हैं हम किस तरह से लग रहा होगा आपको सफर को। सो देख सकते कुछ इस तरह का लग रहा है, बट ये लॉन्ग पेंट बहुत फूल है। हम मार्केट गया था तो कपड़ा देखा तो इतना फूला था कि 28 साइज में बस ऐसे ही फुला हुआ। बट ये भाई का पता नहीं कैसे टचूस वाला आ देते हैं, अंकल वाला आते तो मिलते थोड़ी देर के बाद आपसे। से रेडी हो के यहाँ से दीदी घर में आ चुके हैं, यहीं से निकलेगा हम लोग सीधा, सब फैमिली एक साथ जाने वाले हम लोग। तो चले तो सावन आ रहा होगा, पंखा चल रहा है कि बहुत गर्म है और बाहर बारिश दे रहे हैं, पता नहीं क्या अनोखा सीन है ये। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। फाइनली हम लोग यहाँ से निकलने वाला है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। अगर वो फाइनली जा रहे हैं मस्ती मतलब असम जा रहे पूजा देखने, तो हम लोग बच्चे चल के हम लोग को पीछे में रख दिए। फाइनली हम लोग एंट्री करने वाला है मंदिर का, इस तरह का और कुछ इस तरह का लोकेशन है जहाँ पर सुखान दुकान है। हम अंदर जाएगा, चले पहले यह जूता खोल लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। फाइनली हम लोग जूता खोल के अंदर आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह का, ऐसे जला रहे और अंदर जो आप सब सिनेमेटिक देखे इतना मस्त वाला व्यू है ना, सब ये देख सकते हैं, देख सकते हैं इतना मस्त वाला व्यू था ना इस जगह। और वहाँ गाड़ी पूरा एक्सटेंड वाला लोग है, दो गाड़ी उधर एक्सटेंड होकर रखे थे, तो अच्छा व्यू के साथ ऐसे एक्सीडेंट देखने में जाते हैं क्या अच्छी जिंदगी पे। सो देखो निकलते ऐसे। तो गाइस फाइनली हमको आके मिल चुका है ये जगह, खिड़की वाला सामने वाला सीट पे। अभी मज़ा आएगा, हवा भी बहुत मज़ा सा आ रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको।
ऐसे जगह में एक लोकेशन में आके हमने गाड़ी को पार्क कर दिया। हम लोगों को बहुत खास से भूख लग रहा था तो हम लोग सब लोग चाउमीन ऑर्डर कर दिया। तो ये रहा, तो यहाँ एक चाउमीन है, इधर भी चाउमीन है, तो हम लोग चारों चाउमीन लिए और मेरा बादूसा भाई भी चाउमीन लिए। और जीजा लोग पता नहीं अलग कुछ खा रहे हो, जीजा और पापा का भैया जो, तो हम लोग तो चाउमीन पार्टी है तो फटाफट हम चाउमीन को खा लेते हैं। सर चाउमीन को खाने का मिलते हैं आप सबसे। और अरे और जो हमको इंस्टा में फॉलो नहीं किए तो हमको फॉलो कर सकता है, ये है मेरा इंस्टा आईडी। सो लोग जो हमको इंस्टा में फॉलो नहीं किए तो यहाँ में आकर फॉलो कर सकते हो, 1222 फॉलोवर्स है तो आप 2-3 हज़ार करवा दो ना इस पर। तो चलिए हम चाउमीन खाते हैं, चाउमीन खाने का दिन वो देखो स्टोरी डाल रहे हैं अपना, चाउमीन खाने से स्टोरी डाल रहे हैं, देख सकते हैं जो ख़त्म कर चुके हैं अपना खाने। वहाँ पे पापा लोग हैं, वहाँ पे बड़ा आदमी लोग हैं और यहाँ पे बच्चा लोग हैं। मेरा भाई फिर वहाँ पे था तो उसको वहाँ से निकाल दिया वो ग्रुप से, अभी ग्रुप में आके बैठा है, तो भी खा रहे हैं, दीदी पानी पी रहे। अरे दूसरा भाई, ये तो मेरा चिंगे खाया पता है आप सबको, इसलिए इसका इतना सारा बच गया कि वहाँ से चटनी लेने गया था तो दिल मेरा यहाँ से खा लिया चिंगे ना दिए। उसने भी बदमाश मेरा मतलब मेरा चमन सब। तो गाइस हम लोग अभी अभी खाया था चाउमीन, उसके बाद हम लोग का शुरू नहीं हुआ। देखो ये प्लेट खाता हुआ चुका मतलब आप लोग यहाँ से देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ के आगे विजिट कर सकते हो। यहाँ का चाउमीन बहुत बढ़िया है, हमको पर्सनली बहुत अच्छा। हम जब भी आते हैं अपना बस्ती में घर जाते हैं तो हमेशा ये वाला रस्ता यहाँ में मतलब हमेशा आते हैं इस जगह पे। सो और मेरा भाई जो जाके वहाँ जाके बंदूक खरीद ही लिया मैंने, मतलब इतना छोटा पिस्तौल सर इतना दाम बोलते हैं। उसके बाद हम बोले ना भैया एक गोली दे दो ना, इतना पैसा मैं लिए ना पिस्तौल को लेते मानता ही नहीं, फिर भी नहीं नहीं भाई गोली का भी 10 रुपये हलते सर ऐसे इरीटेड हो जाके मारने मन होते हैं दिमाग करो क्या होता है। हमको भी ब्लॉग मिलो उसको शर्म करना है ना सिर्फ बोलने से भी ब्लॉग में लगा फालतू लाग रहे बोलो कर यूट्यूबर से फालतू लाग रहे आए नहीं बिना जो हमको बोले घूमने नहीं जगह बोले जाना करते तो देख सकते हैं ये जॉर्डन का गांबूज है, इसको आप लेके लेबर काम कर सकते हैं। फालतू नहीं यार सर चल चल गाड़ी में जॉर्डन लेबर है लेबर से हम जूता सुना में लेस कभी नहीं बांधते अपना जॉर्डन में, तो ऐसे हम निकल जाते हैं हमेशा, तो हमको भी लेस बांधना पसंद नहीं है। सब लोग यहाँ पे क्या सब कुछ हो चुम नहीं बैठेगा अभी अंदर जाते चले यहाँ से चलते हैं अभी तो मिलते हैं आपको अच्छा शॉट कुछ नहीं होगा हो। ये है चाय फैक्ट्री टी फैक्ट्री जो आउडी ने बनी रहते हैं ना। फाइनली हम लोग अपना घर में आगे पहुंच चुके हैं बस्ती के, सो हम लोग बहुत बार नोटिस किया हुआ गेट को। सो अभी चलते हैं अंदर और अंदर जाके कुछ खाएगा क्योंकि बहुत भूख लग रही है गाइस। तो चलिए चलते सीधा अंदर और खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आप सबसे तक ले। फाइनली टाइम आ चुका है जो कि यहाँ से निकलने के लिए, इतना रात हो चुके तो अभी हम लोग कैसे निकल रहे हैं लाइट को, तो कैमरा भी बहुत ख़राब है गाइस बहुत ख़राब है। सो अभी निकलते यहाँ से तो जाता है अभी सीधा ईटानगर। हम लोग आके ईटानगर में पहुँच चुके हैं, हम उस तरफ से कुछ हम फाइनली हम ईटानगर में आके जा रहे हैं पी सेक्टर। फाइनली अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं गंगा में, तो कुछ इस तरह का है। तो अभी आप लोग दिखाते हैं एक जगह बहुत बढ़िया जो हसदी पे हम है, तो वो जगह बहुत बढ़िया से बना हुआ है। तो अभी हम लोग हमको दिखाते हैं आपको कि हम लोग यहीं से जा रहे हैं पास होने पार हो के हम लोग बहुत आगे जाएंगे, तो हमको दिखा देते खिड़की से और हमको वापस हुई पीछे वाला सीट में मिल गया। दे दो चॉकलेट मिले खाने के लिए, तो चलते ऐसे तो आप लोग को दिखाते हैं जाते टाइम में, क्योंकि हमको सबसे बढ़िया जब दुर्गा पूजा घूमते हैं हमें एक बोर्ड 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 लगाया जाता है, तो उस चीज़ में हमको बहुत मस्त लगता है वो जगह जो ना। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को क्या टाइम इसका के बारे में बता रहा था आकाशदीप बोल के, तो वो जगह पहुँच चुके ये देखिए
वहाँ मैं आपको लाइटनिंग दिखा रहा हूँ, तो ये हमको सबसे बड़े लगते हैं यार, लाइटनिंग जो बहुत बड़े लगते हैं। सो अंदर में मस्त से अगर बाहर क्योंकि बहुत अंदर है ना इस तरह का दिखाते हैं आप लोग। ये देखिए ब्यूटीफुल, ये चीज़ चेक करो, जब से हम आप लोगों को हमें बताया था मंदिर में ट्रैफिक बोल के, तो ये देख सकते हो डायरेक्ट लिया तो डायरेक्ट ग्रो का हुआ है, देख सकते कब से लोग ऐसे ऐसा ही बहुत ट्रैफिक है, बहुत बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक गाय। तो चलो अच्छा देखा आप लोग को, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं दिखेगा। तो अभी ऐसा हम लोग जो पी सेक्टर में गया था, तो वहाँ से हम लोग वापस आ चुके हैं, क्या बहुत भीड़ था, गाड़ी रखने का भी जगह नहीं था, तो हम फिर से आकाशदीप में आ गए भाई। आप लोग को अभी आकाशदीप का ही ऊपर से दिखा रहे, तो चलिए अंदर चलते हैं। सो और यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, इसलिए हम कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस फ़ोन पकड़े और अंदर चल दिए, बिकॉज अभी हम बोलेगा तो आप लोग को सुनाई भी नहीं देना था, आप लोग जो कि हमें नॉइस को सुन सकते हैं। तो चलिए आप लोग अंदर जाते हैं और आका देवी को दर्शन कराते हैं सबको। फाइनली वहाँ से घूम के घर आ चुके हैं और बारिश का आना शुरू हो गया, अभी हम आए, हम लोग ही आए और बारिश आना शुरू हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर दीजिए।